हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। दो दिन वीडियो नहीं लाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमार था। अभी आज थोड़ा बहुत तबीयत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसीलिए सोचा कि वीडियो तो लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं लेके आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें और बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट पर हैं, कुछ भी चीज़ें जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं, तो आपके लिए ये अपडेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहे कंप्लीट एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। तो चलिए सीधा बिना टाइम गवाए चलिए सीधा चलते हैं हमारा मार्केट पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी ट्री मैप जो है वो BTC तो ओवरऑल पूरा रेड में है करंटली। अभी थोड़ा मार्केट जो है वो थोड़ा ग्रीनरी में नजर आ रहा है, लेकिन ये ग्रीनरी हम कुछ कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इतना सारा डाउन के बाद ये छोटा मोटा ग्रीनरी से क्या होगा। तो मार्केट जो है वो पूरा ऑलमोस्ट पूरा रेड ही चल रहा है अभी हम ये बताए तो। और बिटकॉइन का लेवल जो है वो कुछ खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बात करें, यहाँ पे अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का बात करें तो यहाँ पे 6 पे आ चुका है। 6 पे जो ऑल टाइम हिस्ट्री पे अगर नेगेटिव में नीचे आया था जब वो 5 पे आया था 5 पे, और अभी 6 पे चल रहा है। ये 5 पे जाते हुए कभी मतलब देरी नहीं लग सकता। अगर थोड़ा और बिटकॉइन फॉल करेगा नीचे तो ये 5 पे भी चला जा सकता है, 5 पे भी चला जाएगा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो इस पे आप नजर रखिएगा। और अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट पे, अभी करंटली BTC डोमिनेंस जो है वो भी तगड़ा तरीके से नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप -0.23% जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। टोटल मार्केट कैप में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है, टोटल वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है, लेकिन इसी से एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट पे। तो मार्केट का हाल जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फॉर BTC USDT का बात करें तो यहाँ पे ये न्यूट्रल पे चल रहा है करंटली। तो अभी जो हम अगर मार्केट पे अगर हम बात करें करेंटली बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल पे, तो बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल जैसा कि मैंने बताया था कुछ दिन पहले, दो दिन पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था क्या इंपॉर्टेंट लेवल क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 15,000 के आसपास यहाँ पे जाके एक बार होल्ड कर सकता है, 15,600 के आसपास जाके यहाँ पे एक होल्ड ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले एक सपोर्ट बनाया था, इसी सपोर्ट पे ये थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है। और अगर इससे भी नीचे जाता है तो यहाँ पे 13,500 पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पहले यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया था यहाँ पे एक ह्यूज नंबर पे। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो है बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। और अगर नीचे सरकता है तो नीचे इसका जो लास्ट सपोर्ट जो है वो 12,000 पे यहाँ पे रहेगा, 12,000 पे आके ये अटकेगा। इससे नीचे जाने का अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है मार्केट का कुछ हालत, लेकिन अगर मतलब अगर हम जोर ज़बरदस्ती अगर बोले लास्ट एंड तक कहाँ तक आएगा तो ये $12,000 तक ही आएगा। तो मार्केट जो है अभी यहाँ से सरक सकता है और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन का अगर हम बात करें तो वो सब देख के मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो ये कुछ रहा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट है तो ये इन सभी को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसको ये सपोर्ट्स को जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन जो है आज का दिन अगर हम बात करें तो ये 18,000 से भी नीचे आ गया था, 17,600 के आसपास यहाँ पे आ चुका था, लेकिन अभी 4% के इंक्रीमेंट के साथ ये 19,800 पे होल्ट कर रहा है यहाँ पे जाके। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4.42% जो है वो इंक्रीमेंट किया है बिटकॉइन ने। तो ये कुछ चल रहा है बिटकॉइन में, ये और भी नीचे जा सकता है अगर हम इकोनॉमी के वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें, नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करें, सभी कुछ चीज़ें देख के मार्केट और भी नीचे आ सकता है। ये कब तक ऊपर उठेगा? देखिए मार्केट अभी करेंटली फिलहाल सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा एक गुड न्यूज़ का ज़रूरत है अगर मार्केट को इससे बहुत ही तेज़ी से ऊपर आना है तो। और अगर हम बात करें अगर बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं आता है तो कितना समय लगेगा, तो इसको काफ़ी समय कम से कम 8-9 महीने का जैसा तो लगेगा ही, यहाँ से कंसोलिडेट करके होल्ड करते करते ऊपर जाएगा। यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ का ज़रूरत है अगर हमको यहाँ से इंस्टेंट एक पंप चाहिए होता है तो, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो चल रहा है। तो अब बात करते हैं हमारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा अपडेट जो है वो हमारा इंडिया के तरफ से, इंडिया का UPI को लेके। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन क्रिप्टो एडवोकेट्स बॉडी प्रेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इंस्टेंट रिटेल पेमेंट सर्विस। UPI को रिस्टोर करने के लिए हमारा इंडिया क्रिप्टो एडवोकेसी बॉडी जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का एडवोकेसी बॉडी जो है वो कौन कौन से है? वो है BACC। मतलब BACC क्या है? एक नॉन प्रॉफिट एडवोकेसी ग्रुप है अंडर द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI के अंडर में ये आता है BACC।
तो ये जो है ये इसके अंदर में कौन कौन आता है, इसके अंदर में आता है मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन डीसीएक्स एंड वोजिलेक्स जैसा कंपनी जो है वो इसके अंदर में आता है। इसका जो ये मेंबर्स है यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉइन स्विच फाउंडर आशीष सिंघाल एंड कॉइन डीसीएक्स को फाउंडर सुमित गुप्ता वेर अपॉइंटेड एज को चेयर्स ऑफ बीएससीसी। तो ये बीएससीसी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनपीसीआई को कि ये जो यूपीआई का जो पेमेंट मेथड है, यूपीआई सर्विस जो है वो उसको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि यूजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो देखते हैं ये कुछ बातें चल रहा है अभी यूपीआई को लेके, तो उम्मीद है कि यूपीआई जो है वो इंस्टेंटली यहाँ पे शुरू कर दिया जाए यूपीआई के ऊपर अगर ऐसा बातचीत चल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है अगर आप यूपीआई को लेके दिक्कत में चल रहे हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोज कॉइन शूट अप एज इलॉन मस्क अफर्म्स ही इज एक्यूमुलेटिंग डोज कॉइन। जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ अपडेट, कुछ पहले उनको ऊपर एलिगेशन लगा कि डोज कॉइन को वो पंप एंड डंप करा रहे हैं, इसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो डोज कॉइन को खुद एक्यूमुलेट कर रहे हैं बहुत बड़े नंबर पे। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद से अभी करेंगे डोज कॉइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पंप शो कर रहा है। तो ये डोज कॉइन के, तो डोज कॉइन पे इन्वेस्ट होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। डोज कॉइन जो है वो आगे जाके मीम कॉइन का कैटेगरी से वो तो निकल ही चुका है, लेकिन आगे जाके और भी ज़्यादा पंप दिला सकता है आपको। लेकिन क्या एक ही साथ इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं, आपको SIP करना है, आपको DCA करना है। वो कैसे करना है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर मेरा अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो डोज कॉइन का ऊपर आप खास नजर रखिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, Coinbase का जो CEO है, Coinbase CEO says Bitcoin has a chance to become the new global reserve currency। वो US डॉलर और गोल्ड कॉइन का जो पैक्ट है उसको, उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने बताया कि आगे आने वाले टाइम में अगर मतलब हमारा करेंसी जो है, वर्ल्ड वाइड करेंसी जो है उसको अगर इंक्रीमेंट करना है, US डॉलर को अगर ऊपर जाना है, तो इसके लिए उनको क्या है, अपना रिजर्व पे जो है बिटकॉइन रखना है, अपना करेंसी जो है उसको बिटकॉइन पे कन्वर्ट करना है, बिटकॉइन उनको अल्टीमेटली बात बिटकॉइन को वो लोग रिजर्व करें। तो ये उन्होंने बताया बिटकॉइन का ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल, कंप्लीट वीडियो उन्होंने बताया, यहाँ पे कंप्लीट एक वीडियो था उनका, एक यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉकचेन का एपिसोड में 27 नंबर ब्लॉक अराउंड द ब्लॉक एपिसोड का 27 नंबर एपिसोड पे उन्होंने ये बताया। इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे लोगों के मुँह से अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो ये काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाता है मार्केट पे कि बिटकॉइन जो है द न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है आने वाले टाइम में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट और लास्ट अपडेट बट नॉट लिस्ट। तो ये देख सकते हैं कैलिफोर्निया मैन पेज ए हिटमैन $13,000 इन बिटकॉइन टू किल हिज एक्स गर्लफ्रेंड। बंदे ने मतलब $13,000 जो है वो बिटकॉइन में उसको, जो किलर है, हिटमैन जो है उसको दिया है ताकि वो जाके उसका एक्स गर्लफ्रेंड को मर्डर कर दे। मतलब बिटकॉइन में पैसा जो है वो दे रहा है वो अपना एक्स गर्लफ्रेंड को मर्डर करने के लिए। ये एक तो पॉजिटिव न्यूज़ भी है और एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इस हद तक बिटकॉइन का एडॉप्शन हो रहा है, और नेगेटिव न्यूज़ है कि ये जो एडॉप्शन हो रहा है ये नेगेटिव साइड में हो रहा है। पॉजिटिव साइड में भी हो रहा है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि हिटमैन को पैसा दे रहा है $13,000 बिटकॉइन में दे रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइड में ये इसको यूज़ कर रहा है। इसको पॉजिटिव साइड में भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि हमने देखा काफ़ी सारे जगह पे कि लोगों ने बिटकॉइन के बदले अपना घर को बेच दिया है। तो ये काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हो रहा है और ये नेगेटिव न्यूज़ भी हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइड भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ था आज का हमारा अपडेट, शॉर्ट अपडेट था क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ले आऊँ, मैं कल ही अपडेट कर दूँ आपको नया वीडियो, नया इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बिटकॉइन का ऊपर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू।